कसौटी जिंदगी की को शुरू हुए 4 हफ्ते गुजर चुके हैं। ऐसे में अनुमान लगाया गया कि शो को टीवी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलेगा और ये शो टीआरपी की बुलंदियों को जरूर छुएगा। लेकिन इन बीते 4 हफ्तों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पहले हफ्ते में शो ने टॉप 10 लिस्ट में एंट्री जरूर मारी थी, मगर उसके बाद हालत खस्ता हो गई। और अब खबरों की माने तो शो की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बार की 31वें वीक की टीआरपी भी सामने आई है और इस लेटेस्ट रेटिंग के मुताबिक भी कसौटी जिंदगी की उन शोज की कतार में आकर खड़ा हो गया है जिनकी रैंकिंग नीचे गई है। इस रेटिंग के मुताबिक ये शो 15वें पोजीशन पर आ गया है। बार की रेटिंग के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी नागिन का नाम टीआरपी की रेस में सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कुंडली भागे, तीसरे स्लॉट में ये रिश्ता क्या कहलाता है, चौथी पोजीशन पर कुल्फी कुमार बाजेवाला, पांचवें नंबर पर कौन बनेगा करोड़पति, तो वहीं छठी पोजीशन पर डांस प्लस 4 है, सातवें नंबर पर इंडियन आइडल, आठवीं और नौवीं पोजीशन पर इश्क सुभानअल्लाह और कुमकुम भाग्य है, वहीं 10वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन कसौटी जिंदगी की 15वीं पोजीशन पर है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह शो की रेटिंग लगातार गिर रही है, उससे शो की डूबती नैया को बचाने का एकमात्र सहारा सिर्फ कोमोलिका ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जब से कोमोलिका की एंट्री वाला प्रोमो सामने आया है, तब से इस शो ने सोशल मीडिया पर कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसे में मेकर्स और लोगों को उम्मीद है कि जब कोमोलिका शो में आएंगी तो शो में जान पड़ जाएगी और रेटिंग के मामले में भी ये शो नया रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। खैर, अब देखना होगा कि आखिर कब तक शो में कोमोलिका की एंट्री होती है और कोमोलिका की एंट्री के बाद क्या वाकई शो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो पाएगा। अब इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।